कहते थे समाज को शिक्षित करना सामाजिक बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी सुधारों को लिए कई सार्थक प्रयास भी किए। सरकार ने प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए कई कदम भी उठाए हैं, जो पहले की स्थिति की तुलना में अगर हम बात करें तो काफी महत्वपूर्ण बदलाव हम कह सकते हैं। और ऐसे बीच अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश जिसे कभी बीमारू राज्य की संज्ञा दी जाती थी, क्योंकि इतनी शिक्षा वहां पर एक तरह से कह सकते हैं विकसित नहीं थी। वहीं राज्य ने शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव किए हैं। वर्षों के सरकारी कारण जो प्राथमिक विद्यालय की स्थिति खराब हो गई थी, जिससे निजी विद्यालयों के विस्तार हुआ है, लेकिन अब सरकार ने बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त कर इन विद्यालयों को एक नई दिशा दी है। सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में जरूरी सुविधाओं, जैसे कि अगर हम बात करें कमरों की, बात करें कुर्सी मेज की, बात करें बिजली पानी और शौचालय की व्यवस्था को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया है। इससे लोगों को ये एहसास हुआ है कि केंद्र है और शिक्षा के महत्व को पहचानने में मदद मिली है। इस बदलाव का असर सिर्फ शिक्षा के स्तर पर नहीं बल्कि समाज के समग्र विकास पर भी पड़ा है। और उत्तर प्रदेश में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के हालातों को जानने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के स्टेट हेड प्रमोद अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं लखीमपुर की हम बात करें तो आकाश कुमार हमारे साथ हैं, उन्नाव से वीरेंद्र राजपूत हमारे साथ, और निःशुल्क विद्यालय के प्रबंधक उदयकांत वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए। तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत नमस्कार करना चाहूंगी और बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे न्यूज 21 में। प्रमोद जी, आपसे जानना चाहूंगी कि सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूं तो वहां की बात करूं, आप स्टेट हेड हैं, तो आपसे जानना चाहूंगी क्या बदलाव हुए हैं शिक्षा में जहां पर आप हैं, वहां पहले की और अभी की अगर हम बात करें, पहले क्या व्यवस्थाएं थी शिक्षा को लेकर और अब क्या परिवर्तन आया है? जी, जैसा कि आपने बताया कि देखिए पहले तो बीमारू राज की उपाधि उत्तर प्रदेश को दी जाती थी, क्योंकि सरकारी विद्यालयों में किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जाती थी। लेकिन अब वर्तमान समय में सरकारी विद्यालय प्राइवेट संस्थानों को भी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। वहां के अध्यापक नए नए नवाचारों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण बच्चे आकर्षित हो रहे हैं। और इस अगर देखा जाए इस बार जो ताजा जानकारी के अनुसार है कि इन सरकारी विद्यालयों में छात्र संख्याओं में भी बढ़ोतरी दिखाई देने को मिली है। जी जी, आकाश जी के पास मैं आना चाहूंगी। आकाश कुमार संवाददाता हमारे लखीमपुर से हमारे साथ। आकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी शिक्षा प्रणाली कैसी है लखीमपुर की? लखीमपुर की शिक्षा प्रणाली बहुत अच्छी है। जब से योगी सरकार आई है तब से व्यवस्थित व्यवस्था हो गई है और पढ़ाई भी अच्छी हो रही है। बच्चे जो संख्या है ये भी बढ़ गई है और जो भोजन मेनू बनता है MDM ये भी सही है। जी, काफी कहने का मतलब है सुधार आया है आकाश ना? आकाश जी, मैं जानना चाहूं, सुधार आया है, काफी सुधार आया है। ठीक है, वीरेंद्र राजपूत हमारे साथ, हमारे संवाददाता उन्नाव से हमारे साथ जुड़ गया। तो उन्नाव की मैं अगर बात करूं वीरेंद्र आपसे, तो उन्नाव जिले में कल शिक्षिका, एक खबर आई थी उन्नाव से जहां जिले में कल एक शिक्षिका के साथ गंदे इशारे करने का स्कूल प्रबंधक का वीडियो वायरल हुआ है। क्या हालात है, मैं ये जानना चाहूंगी कि शिक्षा के वहां पर, क्योंकि अगर हम बात करें तो अगर स्कूल्स में ही ऐसे हालात बने हुए हैं तो बच्चों को सीधा सीधा क्या मैसेज जा रहा है ये कहने की जरूरत नहीं है वीरेंद्र जी। मैं आपको बता दूं, एक सोशल मीडिया पर खबर जमकर वायरल हो रही थी जहां पर एक शिक्षक ने शिक्षिका से विद्यालय के अंदर अनैतिक तरीके से एक डिमांड करी, जिसमें विद्यालय की थूथू भी हुई और जिले में चर्चा का विषय भी रहा है और वीडियो जमकर वायरल हुआ था और अधिकारियों ने संज्ञान भी लिया था। अब क्या कार्रवाई होती है ये देखना है। बिल्कुल बिल्कुल, उदय वाजपेयी हमारे साथ प्रबंधक निःशुल्क विद्या मंदिर उन्नाव के हमारे साथ जुड़ गए। तो उदय जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आपके मन में सेम नेक काम को करने की भावना कैसी जागी, क्योंकि बहुत ही बढ़िया शानदार काम कर रहे हैं आप, काफी प्रशंसा हो रही है आपकी। धन्यवाद आप सभी को, सादर धन्यवाद, सादर नमस्कार, जो आपने इस प्लेटफॉर्म पर आने का अवसर प्रदान किया। जब मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा तो मैं भी एक निजी विद्यालय में पढ़ता, उस वजह से जी जी उदय जी, आपसे मैं
उदयकांत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि शिक्षा प्रणाली कैसी है वहाँ की आपसे, क्योंकि आप पढ़ा रहे हैं, निःशुल्क बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो मुश्किलें भी आती होंगी इस बीच, तो क्या कुछ परेशानियों का सामना भी कर रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल सही कहा आपने कि काफी एक सराहनीय प्रयास के वजह से ही आज ये है, और बच्चों के प्रति आपके मन में जो भावनाएं हैं उन आप चाहते हैं कि वो शिक्षित हो। और हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि नेटवर्क की समस्या की वजह से उदयकांत जी की जो आवाज है हम तक प्रॉपर नहीं पहुंच रही है, क्योंकि जो मौसम है आप जानते ही हैं, बारिश का मौसम है। पर इसी बीच हमारे साथ और भी लोग जुड़े, एक एक सवाल मैं और लोगों से जानना चाहूंगी, तो मैं प्रमोद जी के पास वापस आना चाहूंगी। प्रमोद जी, पहले सवाल का जवाब आपने हमें बताया कि क्या बदलाव पहले से अब हुआ है। अब मैं जानना चाहूंगी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जानना चाहूंगी कि सरकार के आगामी कदम क्या होंगे शिक्षा को लेकर। शिक्षा को लेकर आगामी कदमों के बारे में बात की जाए तो अब योगी सरकार ये चाहती है कि अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों के बराबर में इन सरकारी विद्यालयों को खड़ा किया जाए, इसके लिए कंपोजिट विद्यालय चलाए जा रहे हैं, साथ साथ में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा भी बच्चों में उपलब्ध करवाई जा रही है, और इन वो सभी सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है कि जो एक प्राइवेट निजी संस्थान के विद्यालय के बच्चों को मिलती है वो एक सरकारी विद्यालय के बच्चों को भी वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सके। दूसरा, शिक्षा के प्रयासों में भी है, शिक्षा के स्तर में सुधार करने के ऊपर जोर दिया जा रहा है, हर प्रकार के संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि जिससे कि बच्चे सरकारी विद्यालयों की तरफ आकर्षित हो, और किसी भी प्रकार से जो निजी विद्यालय जो उनका शोषण करते हैं, उनके माता पिता का शोषण करते हैं, उनसे बचाव किया जा सके। बिल्कुल 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 सही कहा प्रमोद जी आपने कि बच्चों की शिक्षा के प्रति जो है अब काफी सराहनीय कदम जो है देखने के लिए मिल रहा है, और अंग्रेजी मीडियम और हिंदी मीडियम की जिस तरीके से आपने बात की बिल्कुल प्रॉपर व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए। फिलहाल मैं आकाश कुमार संवाददाता हमारे लखीमपुर से हमारे साथ जुड़े आकाश के पास मैं आना चाहूंगी। आकाश, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर हम बात करें कितने करीबन मैं जानना चाहूंगी कि वहां पर जहां पर आप हैं लखीमपुर की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ कितने सरकारी स्कूल्स हैं, कितने प्राइवेट स्कूल्स हैं, और अगर मैं बात करूं तो सरकारी स्कूल्स में क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं, कौन कौन सी अदर एक्टिविटीज हैं और जिससे बच्चों को लाभ मिल रहा है, और सरकारी स्कूल में ऐसी क्या फैसिलिटी है जिससे बच्चों का विकास हो सके, जैसे सीसीटीवी कैमरे वगैरह है, इन्वर्टर और इधर पंखे वगैरह लगाए गए हैं, इससे बच्चों को पढ़ने में जो है कठिनाइयां नहीं हो रही है। और कहना चाहेंगे मैडम, जो आरटीई सरकार ने शुरू की है राइट टू एजुकेशन, इसमें जो गरीब माता पिता हैं पढ़ा नहीं पा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में, उनके लिए सरकार ने एक सुविधा की है कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाई निःशुल्क है उनकी। ये जो पहल जारी की है यूपी सरकार ने बहुत अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, जो असमर्थ हैं किसी भी रीजन से, माता पिता हैं, अभिभावक हैं, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं किसी भी स्थिति से, तो सरकार का ये कदम हम कहेंगे कि वास्तव में बहुत ही सराहनीय कदम है। बड़े बड़े फंक्शंस होते रहते, करोड़ों रुपए ऐसे खर्च होते हैं, पर सही मायनों में देश का विकास तब होगा जब शिक्षा प्रणाली अच्छी होगी। तो ये हमारे साथ लखीमपुर से हमने आकाश से बात की, हमने वीरेंद्र राजपूत हमारे संवाददाता उन्नाव से हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे वीरेंद्र से जानकारी चाहूंगी कि वीरेंद्र हम आपसे ये अब जानना चाहेंगे कि उन्नाव में अगर हम बात करें तो कुल 1044 करीबन जो है गाँव है, मगर ये सबसे बड़ी बात है कि वहाँ महिलाएं कितनी शिक्षित हैं, क्योंकि 1044 करीबन गांव है तो वहां पे महिलाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो किसी भी चीज की नींव होती हैं, आधार होती हैं, हम देश की बात करें या घर की बात करें। जी मैडम, अगर उन्नाव में बात करें तो महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र की तो बिल्कुल ना के बराबर शिक्षित है, या शिक्षा के कारण किसी न किसी चीज का शिकार होती रहती है, और ये बड़ा दुर्भाग्य है उन्नाव का, जिस पर ये बीएससी की और अधिकारियों की लापरवाही है।
उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी आपको मैं बता दूं, कल उन्नाव जिले में एक खबर जमकर वायरल हुई थी जिसमें 7 सीटर वैन में 17 बच्चे ठूस ठूस कर बैठाए हुए थे, जो बच्चे सांस तक नहीं ले पा रहे थे। ये जमकर खबर वायरल हुई थी और अधिकारियों ने खबर का संज्ञान भी लिया है और हर खबर का संज्ञान लेते हैं लेकिन कार्रवाई लगभग शून्य ही रहती है। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की लापरवाही है, अधिकारियों की लापरवाही है जो देखने को उन्नाव में मिल रही है। तो आपने जैसे बताया कि महिलाएं शिक्षित नहीं हैं, गांव दराज के अगर हम बात करें तो कारण क्या है, मैं जानना चाहूंगी। एक आखिरी सवाल वीरेंद्र, फिर मैं आऊंगी उदयकांत जी के पास आऊंगी। वीरेंद्र, मैं जानना चाहूंगी कि कारण क्या है जो महिलाएं वहां की शिक्षित नहीं है, क्या जागरूकता इतनी नहीं है या महिलाओं पर पाबंदी ज्यादा है या तो उनके लिए उस लेवल की व्यवस्थाएं नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है कि अभिभावक अपने बच्चों को अपनी बच्चियों को स्कूल भेज सके। क्योंकि अगर हम बात यूपी के करें तो क्राइम रेट का जो एक है पिटारा है वो दिमाग में सबसे पहले आता है। जी, जो नई जनरेशन है मैडम वो तो कहीं ना कहीं शिक्षा ग्रहण कर रही है लेकिन जो पुरानी जनरेशन है वो न कहीं शिक्षा से वंचित रही है। तो ये सब सारी कमियां हैं और सुविधा भी नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में, जाए तो जाए कहाँ। ठीक है, मैं उदयकांत जी के पास आखिरी में आना चाहूंगी। उदयकांत जी, आप काफी नेक पहल कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, तो आज से जानना चाहूंगी कि सरकार से भी कोई उम्मीदें हैं, आपको कोई मांग है? क्योंकि जब आप शिक्षा दे रहे हैं निशुल्क तौर पर शिक्षा दे रहे हैं तो ये भी जानना चाहूंगी कि कितने बच्चे हैं जिन्हें आप पढ़ा रहे हैं और आगे की क्या प्लानिंग्स हैं, और सरकार से कोई उम्मीद है, कोई मांग? और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, यथासंभव अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस चार कामनाओं के साथ होगा तारीख है सर, अभी छोड़ना चाहें। जी जी उदयकांत जी, चलिए आप सब तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। यूपी के मुद्दे पर हमने शिक्षा के मुद्दे पर आप सबसे चर्चा की है और आप सब बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि इसी तरह की और भी अपडेट्स के साथ हमारे साथ आप लगातार इसी तरह से जुड़ते रहे। हमारे न्यूज 21 का एक स्लोगन है सत्य सटीक निष्पक्ष, और आप लोग बेहतरीन काम करें। फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे चारों संवाददाता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। एक बार फिर दर्शकों को बताना चाहूंगी, हमारे साथ आकाश कुमार संवाददाता लखीमपुर से, हमारे साथ थे वीरेंद्र राजपूत संवाददाता उन्नाव से, और प्रमोद अवस्थी स्टेट हेड उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े थे, और इसी बीच उदयकांत वाजपेयी जो की प्रबंधक है निःशुल्क विद्या मंदिर की, निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। तो देखा आपने कि किस तरीके से अगर कुछ करने की इच्छा हो तो उसके लिए कोई भी कदम उठाया जा सकता है। जिस तरीके से उदयकांत जी की हम बात कर रहे थे कि निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, देखिए कहते हैं ना कि निश्चित ही समाज को शिक्षित करना सामाजिक बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, पर वो कदम कहीं ना कहीं से बढ़ाना चाहिए, शुरुआत करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो शिक्षा में काफी कुछ बदलाव, कहने का मतलब हमारे पत्रकारों से बातचीत करके सामने आया कि काफी कुछ बदलाव आया है। सरकार जो है नई नीतियां लेकर आ रही है बच्चों के लिए। महिलाएं जिस तरीके से पहले यूपी की बात आती थी तो सुरक्षित महसूस नहीं करती थी, योगी सरकार के आने के बाद कहीं ना कहीं शिक्षा की बात कर ले, स्वास्थ्य की बात कर ले, सुरक्षा की बात कर ले, तो ना कहीं कह सकते हैं कि काफी जो बदलाव है वो देखने के लिए मिला है। फिलहाल की खबर पे इतना ही, तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें और बने रहें न्यूज 21 के साथ। नमस्कार।